बार फिर से आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन टैलेंट हंट शो में, जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 पावर्ड बाय ऑल आउट। और अब बारी है एक मिनट यार, क्या हुआ? आप धर्म जी अपनी जगह पे नहीं है। अरे सोनाली जी, किरण जी पता नहीं कहाँ गए हैं, बट हम सोच रहे थे आपने क्यों शुरू कर दिया। हाँ हमें एक्चुअली मालूम नहीं था। किरण जी, धर्म जी को किसी ने धमकी दी है, वो अब नहीं आने वाले। क्या बात कर रहे हो, धर्म जी को कौन धमकी दे सकता है? ये भी हुआ है, धर्म जी को धमकी दी है, नहीं आने वाले। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विदाउट हिम। उनके बिना कैसे शुरू करें? थोड़ी देर रुक जाते हैं। हाँ आएंगे आपके लवली धर्म जी जरूर आएंगे, क्योंकि आपके लवली बॉडीगार्ड धर्म जी को लेने गए। कौन है भाई? मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सलमान उर्फ लवली सिंह ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा को इंट्रोड्यूस किया था, और आज मैं मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड सल्लू उर्फ लवली सिंह को इंट्रोड्यूस करता हूं। ऐसे हसीनो जमील कातिल जहां पैदा होते हैं, ऐसे हसीन जमीलों कातिल जहां पैदा होते हैं, उस शहर में कत्ले आम फिर आम होते हैं। क्या बात। तो आज मजा आ गया, सल्लू यहां आया। 31 अगस्त को हमारी फिल्म बॉडीगार्ड रिलीज हो रही है, और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि हमारे सल्लू की ये फिल्म और सुपर डुपर हिट हो। Welcome to the show, Salman. Bodyguard. So lovely, Singh ji, आप यहाँ पर आए। लड़कियां पागल हो गई हैं, लड़के भी घायल हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे पहला सवाल पूछें। इजाजत नहीं है आपको। पूछ ले। फिर भी हम पूछ लेते हैं, हम बहुत बदतमीज होस्ट्स हैं। आपका पहला सवाल है कि धर्म जी का बॉडीगार्ड होना और बॉडीगार्ड फिल्म में करीना कपूर का बॉडीगार्ड होने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत लंबा चौड़ा अंतर है इसमें। एक धर्म जी को बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और करीना कपूर को बॉडीगार्ड की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। Well, हमने लवली सिंह जी की बात तो सुन ली, आइए अब इनकी कुछ करामात भी देख लेते हैं। ये देखिए, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। इसका पता लगाना जरूरी है। आखिर ये साला है कौन? बॉडीगार्ड। कम से कम इसका यूनिफॉर्म तो चेंज करवाना पड़ेगा। ये देखिए मैडम, क्योंकि इसने जलाया। पाजी, किसी पार्वती नामियार का फोन है। प्राइवेट नंबर। मैं लवली सिंह की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। आज के बाद अगर तुमने फोन किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। बॉडीगार्ड हूँ, जान जाऊंगा। He's a killer. कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया।
अच्छा बॉडीगार्ड सर मतलब लवली सिंह जी जितनी आपकी फिल्म बॉडीगार्ड एक्शन पैक्ड है उतना ही एक्शन पैक्ड होने वाला है हमारा आज का क्वार्टर फाइनल हमारी जो अगली क्वार्टर फाइनल्स है उसकी कमर में इतनी लचक है कि देखने वालों की आंखें लचक जाएंगी ये देखिए टेक्निक आपकी बहुत अच्छी है लेकिन बहुत मिस किया मैंने आपके फेस पे एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लगा वैसे कि उसको जो एडवाइस दिया गया है कि वो कुछ एक्सप्रेशन लाए फेस पे उसको वो फॉलो करेगी आई एम होपिंग फॉर दैट इस टाइम डेफिनेटली मेरे एक्सप्रेशन से मैं जजेस को इंप्रेस कर पाऊंगी तो लचकती कमर और बेहतरीन फिगर लिए आ रही हैं प्रणाली Well, धर्म जी सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं आपको कैसी लगी प्रणाली की कमर की करामात सलमान आया है तो मैं सोचता हूं पहले जजमेंट सलमान से ले ली जाए जैसा आप कहें लवली सिंह जी मेरे को कसम खुदा की बहुत अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस थैंक यू इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं इसमें से सिर्फ एक ही स्टेप कर सकता हूं बाकी तो चांस ही नहीं वो जो स्टेप जो आखिरी का जहाँ पे आपका बैलेंस आउट हुआ थोड़ा सा वो भी आपकी ड्रेस की वजह से उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी वो मैं बिना ड्रेस के बैलेंस आउट कर सकता हूँ थैंक यू सो मच सर तो वो क्या स्टेप देख सकते हैं वो छोटा वाला स्टेप स्टेप देख सकते हैं सर वो वाला सर एक बार Please, एक बार सलमान जी आपके इतने अच्छे एब्स भी है और इतनी अच्छी बेली भी है तो प्लीज सर अब तो आ ही जाइए ओ,
थैंक यू सो मच। आई हैव टू से समथिंग, ये प्रणाली ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब सलमान ने उधर परफॉर्म किया, आई एम सॉरी, नाउ सलमान इज द वन हु हैज डन इट बेटर। प्रणाली मैम, फिर भी हमारी प्रणाली ने कैसा परफॉर्म किया? वॉज दिस वर्दी ऑफ अ क्वार्टर फाइनल? प्रणाली, आपका जो एक चीज नोटिस की, जो ऑडिशन में एक हमने बात आपसे कही थी, आपने ये ट्राई किया कि आप एक्सप्रेशन लाएं, और वो कोशिश आपकी आई अप्रिशिएट इट, बहुत अच्छा था, आपके मूव्स बहुत अच्छे हैं ही, यू हैव गॉट अ ग्रेट फिगर, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन क्वार्टर फाइनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किरण जी, आपको क्या लगता? प्रणाली, मैं सोनाली से कुछ सहमत हूँ और कुछ असहमत हूँ। इस बात पे सहमत हूँ कि आपकी वाकई में बहुत ही खूबसूरत फिगर है, और आपने आपके मूव्स एज अ बेली डांसर अच्छे थे। जहाँ तक एक्सप्रेशंस की बात है, मुझे लगा कि आपके एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत तो बिल्कुल जा नहीं रहे थे मूव्स के साथ, बट आई एम श्योर यू गोइंग टू वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच। धर्म जी, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? पिछली मर्तबा मैंने कहा था कि स्टेप्स में रेपिटेशन आ रहा था, तो कमबख्त ये दो बैली डांस और भंगड़ा, इसमें रेपिटेशन आता ही आता है। सोनाली जी ने कहा कि एफर्ट थी, तो मेरे ख्याल से एफर्टलेस होता तो अच्छा था। प्रे कि आपको वोट्स मिले बहुत सारी, दुआ करता हूँ आगे आप आ सके। थैंक यू। थैंक यू जजेस। प्रणाली, जनता का सपोर्ट ही आपके अगले राउंड का पासपोर्ट है, तो फटाफट मांग लीजिए वोट्स। मैं दुआ करती हूँ कि आप मुझे बहुत सारे वोट्स दे, एंड आई विल डेफिनेटली एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू। हम भी यही उम्मीद करेंगे प्रणाली। अगर आप प्रणाली को सेमीफाइनल्स में पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप कीजिए PRA और भेज दीजिए 56882 पर। थैंक यू सो मच प्रणाली। थैंक यू। थैंक यू। अगले जो आ रहे हैं वो अपने हुनर में इतने माहिर तो हैं ही, काफी है सुनाने में भी काफी माहिर हैं। ये देखिए, कमाले लालो गौहर हीरे मोती, ओ पगले कफन में जेब नहीं होती। क्या आवाज पाई आप, बिल्कुल बेशक। एहसान भारत इज ए गुड परफॉर्मर। 35 साल का कॉन्फिडेंस और 40 साल का एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को क्वार्टर फाइनल तक तो जरूर लाना ही था। बड़े अंदाज से और अदा से उन्होंने परफॉर्म किया, देखते हैं वो आज क्या करते हैं। बेहतरीन कव्वाल और शायर बेमिसाल, पेशे खिदमत है मेरठ से जनाब एहसान भारती और उनका ग्रुप। बदन ईमान से है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। वाह वाह वाह। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है। वाह 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 वाह। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं आवारा बादल हूं। मैं कहूंगा, दूसरा मिश्रा आप खुद ही कहेंगे। मैं आवारा बादल हूं, प्यार में तेरे बागल हूं, प्यार में तेरे।
जिसकी छाँव है सबके लिए, सही जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है, आपका नहीं पता मुझे। जो अपनी मां से मोहब्बत नहीं करता वो दुनिया में किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता। मैं वो मां का चल हूं एक ही रुख के नतीजे पे पहुंचने वालों, जिंदगी मौत का उनवा भी तो हो सकती है। एक औरत जिसे जी खोल के चाहा जाए सिर्फ बीवी ही नहीं मां भी तो हो सकती है। किसी के हिस्से में मगाया, किसी के हिस्से में मगाया, किसी के हिस्से में दुकाई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मामता लिखोगे तो मां लिखना पड़ेगा। मां लफ्ज के सुनने से लहू मां का बढ़ेगा। मां की ही बदौलत है हर एक काम में बरकत। कदमों में रहो कदमों तले मां के जन्नत। महफूज हमें रखती है हर रंजो बला से। कम दर्ज नहीं मां का किसी दर्ज खुदा से। एहसान कभी मां के चुकाए नहीं जाते, वो दूर भी हो जाए तो साए नहीं जाते। एहसान साहब वाह, बहुत खूब कमाल कर दिया आपने। तो चलिए धर्म जी से भी पूछते हैं जी। और अपने बाकी जजेस से भी पूछते हैं कि उन्हें आपकी कवाली कैसे लगी। धर्म जी आप। एहसान मियां जी, माँ के लिए तो हम सब तड़पते हैं और बहुत अच्छा काम माँ के लिए भी। मैं उसके लिए कुछ कहूंगा आपसे। उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, वाह कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया। वाह, शिकायत यही रही होगी माँ बाप की मेरे भी मुझसे। काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता, आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ माँ बाप का वो दर्द मिटाया होता। वाह वाह वाह, मैं दुआ करता हूँ आपको इतनी वोट्स मिले कि आप आगे आ जाए। आमीन आमीन। थैंक यू धर्म जी। किरण जी आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? एहसान भारती घुंघरू वाले जी, जी मुझे तो हमेशा ही बड़ा मजा आता है जब आप आ जाते हैं हमारे मंच पर। आप रौनक लगा देते हैं। और जो आपने हमें नज्म सुनाई माँ के ऊपर, माँ होने के बतौर, मुझे तो बहुत छू गई मेरे दिल को और मुझे लगता है सबको छुई होगी। सुना लीजिए। पहले मैं इनके लिए शेर पेश कर दूं। अपने आंचल में लिए रब्त अमल बैठी है, मेरे ईमान का ये रंगे गजल बैठी है। अब मुझे आगरे जाने की जरूरत क्या है जब मेरे सामने मुमताज महल बैठी है। सोनाली जी अब आप भी कुछ कह दीजिए। एहसान जी जी, आप हमारे सेट पे आते हो रौनक लग जाती है। बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, बहुत मजा आता है। और मैं जरूर ये प्रे करूंगी कि आप इससे भी आगे जाए ताकि हमको आपको सुनने का मौका बार बार मिलता रहे। आमीन। सलमान भाई। एहसान भाई जी, एहसान भाई आप मुझ पर एहसान करना। अच्छा, क्या आप मुझ पर कोई एहसान ना करना। तो एक शेर में नजर कर दूं आपकी। भूले से ना कभी अपने दुश्मन को सजा दीजिए। भूले से ना कभी अपने दुश्मन को सजा दीजिए। सल्लू भाई बस इतना ही काफी है, नजरों से गिरा दीजिए। एहसान भाई आपकी वो माँ की चाहत की लाइन क्या थी? जो बाहर किसी से प्यार नहीं कर सकता, जो अपने किसी को नहीं चाहता जो अपने माँ को नहीं चाहता, क्या वो क्या था वो? हाँ,
जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता वो किसी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकता। यही तो प्रॉब्लम थी, ये आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर इनायत, एहसान भारती पे एहसान है आपका। नायर एहसान भाई, आपके ग्रुप ने तो चारों जजेस को ढेर कर दिया है, लेकिन आपकी आवाज सेमीफाइनल्स में गूंजेगी या नहीं इसका फैसला करेगी हिंदुस्तान की आवाम। कर्मठ उम्मीदवार को अपना ही वोट दें, जो वोट का हकदार है उसको ही वोट दें। अगर आप एहसान भारती को सेमीफाइनल्स में पहुंचाना चाहते हैं तो टाइप कीजिए EHS और भेज दीजिए 56882 पर। थैंक यू एहसान भाई। धन्यवाद एहसान भाई। विदेश हो या स्वदेश, देसी चीजों की अपनी एक अलग ही अहमियत होती है। कुछ ऐसा ही होने वाला है इस मंच पर, जब एक देसी डांसर का देसी स्टाइल लाएगा आपके चेहरों पर स्माइल। तेरा कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। आपके हरियाणा की रूटेड अर्थिनेस की वजह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। जजिस को कॉमेडी अच्छा लगा, डांस नहीं। रस्टिक कॉमिक टैलेंट है। छिछोरी चीजें कॉमेडी कब से हो गई है ये मुझे मालूम नहीं है। सोनाली जी आपने डबल ना करी थी, अब की बार देखना मैं आपसे डबल हाँ बलवा कर रहूंगा। तो अब आपको हंसाने और देसी पॉप का तड़का लगाने आ रहे हैं हरियाणा के संदीप लाठर। क्या नाम है आपका? मैं संदीप लाठर, हरियाणा से हरियाणी पॉप दिखाने आया हूँ। और आप क्या करने वाले? यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा।